हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बीपीएससी से रिलेटेड कुछ खबर लेकर उपस्थित हूँ। इस बार आपका 67th बीपीएससी में लगभग 358 पदों पे परीक्षा होगी। कुछ और डिटेल से जानते हैं क्या हिंदुस्तान ने अपनी खबर में बताया है। तो देखिए, यहाँ पे है बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त प्रवेश परीक्षा में 358 पदों के लिए परीक्षा होने की संभावना है। ग्रामीण विकास विभाग के 133 पद अभी प्रक्रियाधीन हैं, जो अभी विभाग के पास पहुंचा नहीं है। मतलब है कि आयोग ने अभी तक आधिकारिक तौर पे 225 पद को प्राप्त कर चुका है। इतना का उसके पास डेटा आ गया है, पर आयोग को उम्मीद है कि विज्ञापन निकाले जाने तक ग्रामीण विकास विभाग अपने 133 पदों को भेज देगी। कुल मिलाकर 358 पदों की परीक्षा होगी। इस बार अब तक 12 विभाग की ओर से रिक्तियां आ गई है। इसमें सबसे अधिक पद जो है नगर विकास विभाग से है। थोड़ा इसको काट करते हैं, 110 पद है ये आपका। इस बार प्रशासनिक सेवा में एक भी पद नहीं आया है। मतलब प्रशासनिक सेवा से रिलेटेड एक भी पद नहीं, अभी उसकी रिक्तियां नहीं प्राप्त हुआ है। हो सकता है नोटिफिकेशन में और सीट बढ़े, लेकिन फिलहाल अभी 358 पद के लिए होने की संभावना है। अगर एक सप्ताह तक अगर आयोग के पास पद नहीं आता है, तो इसी माह विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा। हाल के वर्षों में हुई परीक्षा के हिसाब से देखा जाए तो सबसे कम पद इस बार है। और कुछ डिटेल्स हैं क्या? हाँ, देखिए ये आपका कुछ सीट है डिटेल से। इसको देखते हैं क्या क्या है। ये अभी अनुमानित ही है, लेकिन लगभग ऐसा ही रहेगा। विभागों के नाम, पद संख्या, समाज कल्याण सहायक निदेशक बाल संरक्षण से 4 सीट, समाज कल्याण सहायक निदेश सामाजिक सुरक्षा से 12, शिक्षा विभाग से शिक्षा सेवा 12, योजना एवं विकास सहायक, ठीक है, पद है सहायक निदेशक योजना अधिकारी 52, श्रम संसाधन विभाग से नियोजन अधिकारी के लिए 2, ग्रामीण विकास से ग्रामीण विकास पदाधिकारी के लिए 133 प्रक्रियाधीन है अभी, नगर विकास एवं आवास से नगर पदाधिकारी से 110, सहकारिता विभाग जिला अंकेक्षण पदाधिकारी से 5, यहाँ है बिहार निर्वाचन सेवा से निर्वाचन पदाधिकारी से 4, पंचायती राज विभाग से प्रखंड अधिकारी है तो 18, श्रम संसाधन से अधीक्षक है तो ये 2, और ये खाद्य एवं संरक्षक विभाग है, पद का नाम है आपूर्ति निरीक्षक, ये 4। तो इस प्रकार का कुछ आपका इस बीपीएससी में सीट है, ठीक है। तो आप इस नोटिफिकेशन को, मतलब कि इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।